अगर मान लीजिए आपको बहुत सारे लोड आपने लगाए हुए हैं और कोई लोड ऐसा है जिसको आप रिमूव करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि उस लोड पे क्लिक करते हो यहाँ पे और डिलीट बटन से कीबोर्ड से डिलीट कर देते हो। ऐसे में वो डिलीट भी हो सकता है और हो सकता है उसका इंटरनली वो डिलीट ना हो और एनालिसिस करने पर आपका एरर आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस एडिटर पे जाना है। यदि किसी चीज़ को रिमूव करनी है तो इस एडिटर पे जाने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, सेव के लिए पूछेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपने काम किया है वो सब डाटा यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे कि डेड लोड लगा हुआ है तो डेड लोड ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये डेड लोड है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ग्रीन लाइन पे क्लिक कर दूँगा। अब ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। अब इसको सेव करूँगा तो लोड वहाँ पर नहीं होगा और कोई एरर भी नहीं आएगा। और बाद मान लीजिए आपको बाद में लोड लगाना भी है तो आपको सीधा एडिटर में जाना है, देख सकते हो आप लोड नहीं है यहाँ पे, एडिटर में जाना है और आपको इस ग्रीन टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फिर ब्लू पे क्लिक कर देना है। अब ये लोड फिर से लग गया। तो इस तरीके से आप एक्टिव और डीएक्टिवेट किसी भी लोड को, किसी भी चीज़ को आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, डिलीट करोगे तो उससे मे भी हो सकता है एरर आए, वो एरर का आपको पता नहीं चलेगा और आप परेशान होते रहोगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, स्टैट प्रो टिप्स एंड ट्रिक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें।